हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल टारगेट बुल्साई। तो चलिए आज देखते हैं कि सेंसेक्स का क्या हाल था। यस, आप देख सकते हैं कि सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी एंड मिड कैप सारे ही आज ग्रीन में थे। बट आप सबने एक चीज गौर किया, आप ये देखिए ये आज कितने परसेंट अप की तरफ आपको देख रहा है। आज मिड कैप जो थे, मिड कैप के शेयर्स आज 14% आज भागते हुए दिखे हैं। एक बार देखते हैं कि कौन कौन से शेयर्स थे उनमें जो आज भागे हैं। ये रहे वो कुछ शेयर्स जो आज ऑलमोस्ट आपको सारे यहाँ पे, यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक ऑलमोस्ट दिखेंगे कि वो 20% सब में एक अप मूव आपको आज दिखा है। बंद होते टाइम ये सारे ही आपको वो 20% ग्रीन में आज आपको दिखे हैं। ये थोड़ा सा कम था बाकी और शेयर्स, लेकिन आज जितने भी मिड कैप के शेयर्स थे सारे ही ग्रीन में बंद हुए हैं। बाकी अगर आज हम देखें इंडिया विक्स को, तो इंडिया विक्स भी आज ऑलमोस्ट 7% कूल डाउन हुआ है, जो कि एक अच्छी बात है। अभी और इसको कूल डाउन होना बाकी है। जैसे जैसे ये कूल डाउन होगा हमारे लिए ही एक अच्छा संकेत है ये। अगर हम वही ADR की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स जो थे वो आज ग्रीन में बंद हुए हैं, एंड कुछ नंबर ऑफ शेयर्स आज जो थे वो रेड में बंद हुए हैं। तो आज हम डिस्कस करते हैं एक बार एशियन पेंट के बारे में। मैक्सिमम लोग, आप सब ने यूज़ किया होगा अपने घर में पेंट करने के टाइम पे एशियन पेंट, मैक्सिमम लोगों ने। तो चलिए एक बार शेयर के ऊपर नज़र डालते हैं। तो यहाँ पे ये जो चार्ट खुला है वो 1 वीक के बेसिस पे है, एंड सारे कैंडल जो है वो 1 वीक को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ अगर हम देखें इसके ये जो शेयर है वो किस तरीके से, कितने टाइम से, ये मई से आप यहाँ पे, मई से आप देख सकते हो, ये सीधा आप इसमें एक जो ग्रीन के तरफ, मतलब लाइक जो ऊपर की तरफ ये चलता गया है वो अभी तक यहाँ तक सस्टेन कर रहा था। उसके बाद इसमें जो गिरावट आई है थोड़ी थोड़ी करके, ये गिरावट जो आई है वो आपको यहाँ पे इस प्राइस पे आपको दिख रहा है। मतलब ये ऑलमोस्ट 4.5 के आसपास, एक सेकेंड, एक बार इसको जूम करके देखते हैं, 1 सेकेंड, ये जूम करके, ये शेयर जो है आपको 2800 से आपको ये इतना अभी इसमें प्रॉफिट बुकिंग हो चुका है, और अभी आपको ऑलमोस्ट ये 2400 के प्राइस पे आपको दिख रहा है। मतलब अभी इसको जो इसमें ऊपर की तरफ रेस होगा वो अभी काफ़ी होना बाकी है। तो चलिए एक बार हम इसको 1 डे के बेसिस पे दिखते हैं, जहाँ पे हमें चीज़ें क्लियर वे में दिख। ये देखिए 1 डे के बेसिस पे अगर हम बात करें तो 1 डे के बेसिस पे आपको यहाँ पे क्लियरली ये जो रैली थी वो आपको यहाँ पे दिख रही है। उसके बाद जो डाउनफॉल हुआ है वो भी आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। अब अगर हम वहीं बात करें, ये शेयर अभी ऑलमोस्ट 2400 के आसपास है, और यहाँ पे इसने अभी अपने जो 200-day मूविंग एवरेज जो था उसको भी इसने तोड़ा है। ब्रेक करने के बाद ये थोड़ा सा अभी ऊपर की तरफ पढ़ना स्टार्ट हुआ है, इसमें थोड़ी सी अप मूव आई है, एंड यहाँ पे खरीदारी भी हुई है थोड़ी बहुत। तो ये अभी ऊपर जाने का संकेत अपने तरफ से वो दे रहा है आपको शेयर। तो आपको इस शेयर पे अभी नज़र बनाए रखना ज़रूरी हो गया, क्योंकि अगर ये भागेगा तो काफ़ी ऊपर अभी जाएगा। तो आप इस पे नज़र बनाए रखिए, बाकी इसके वैल्यूएशन और जो प्रॉफिट्स हैं, जो रेवेन्यू है, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं एक बार। अगर हम इसकी वैल्यूएशन की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं EPS इज 27, ऑलमोस्ट 28, एंड इंडस्ट्री, दैट मीन्स अच्छी बात है, अबव 20 इज ऑल्सो गुड। अगर हम इंडस्ट्री PE की बात करें तो ये 83 चल रहा है अभी इसका भाव, और जो सेक्टर PE है, सॉरी जो शेयर PE है वो 85 है, तो ऑलमोस्ट इट इज क्लोज। तो अगर आपको इस भाव पे मिल रहा है, वो भी एक अच्छी कंपनी लाइक सेक्टर का लीडर कंपनी है उसका, अगर आपको ये सेम भाव पे अगर आपको मिल रहा है तो आपको, मुझे नहीं लगता कि ये मौका गंवाना चाहिए या फिर इसको ऐसे ही जाने देना चाहिए। और अगर वहीं डिलीवरेबल्स की बात करें, जो कि यहाँ पे 33 आपको दिखा रहा है, 33%, दैट मीन्स आज के डेट में 33% लोग इसको अपने डीमैट अकाउंट में लेके जा चुके हैं, जो कि ये भी एक अच्छा संकेत आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आगे बढ़ने से पहले हम एक बार पीवट पॉइंट के बेसिस पे इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखते हैं। तो जैसा कि हमने वहाँ पे जो चार्ट में देखा था वो था मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बेसिस पे इसके एनालिसिस थे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। बाकी अगर हम यहाँ पे देखें तो आपको पहला जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है 2300 के आसपास, सेकेंड वन इज ऑलमोस्ट 2300, दैट मीन्स 2274, एंड थर्ड वन इज 2248। एंड अगर वही रेजिस्टेंस आप देखोगे, अगर ये ऊपर की तरफ वापस भागने को स्टार्ट होता है तो आपको पहला रेजिस्टेंस ये मिलेगा 2388 के ऊपर। अगर इसको ये तोड़ के ब्रेक करता है तो आपको 2400, एंड देन उसके बाद 2450 के आसपास आपको दिख सकते हैं ये नंबर्स आगे की तरफ।
अगर हम वही रिटर्न्स के बारे में बात करें इसकी, तो आप रिटर्न्स यहाँ पे देख सकते हैं, जितना भी है वो आपको ग्रीन नंबर में दिख रहा है एंड नंबर्स भी आपको अच्छे दिख रहे हैं, कोई बुरे नंबर्स नहीं दिख रहे हैं। अगर हम बात करें सिक्स मंथ या वन ईयर या टू ईयर या थ्री ईयर, सारे में आपको नंबर्स अच्छे मिल रहे हैं। अगर हम वन मंथ की बात करें तो वन मंथ में ये ऑलमोस्ट 3% डाउनफॉल की तरफ चला जा रहा है, जो कि यहाँ पे आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखती हुई मिल रही है। अगर हम वहीं पे फ्रॉम फर्स्ट जैन टू टिल, दैट मीन्स YTD की बात अगर करें, तो वहां से ये ऑलमोस्ट 13.5% डाउनफॉल की तरफ है। तो आप इस पे नजर बनाए रखिए, आपको आगे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बाइंग के लिए। अगर हम वहीं इस शेयर के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में बात करें, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो ऑलमोस्ट ऑल दी क्वार्टर्स ये थोड़ी कांस्टेंट में आपको दिख रही है यहाँ पे। बाकी इस कंपनी के पास प्लेज भी है, बाकी क्या प्लेज तो ये धीरे धीरे, क्योंकि बड़ी अच्छी कंपनी है तो ये प्लेज अपने धीरे धीरे कम भी करेंगे। अगर हम वहीं FII की होल्डिंग्स की बात करें, तो FII ने अपनी थोड़ी सी होल्डिंग इस क्वार्टरली बेसिस पे इसने बढ़ाई है। बाकी अगर टोटल DII की बात करें, तो टोटल DII ने थोड़ी सी अपनी कट की है यहाँ पे होल्डिंग्स, एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास कभी ज़्यादा परसेंटेज थे नहीं। बाकी इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें, तो वो भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही दिख रहे हैं, ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है। वहीं म्यूचुअल फंड की बात करें, तो म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग्स थोड़ी सी कट डाउन की है, दैट मीन्स इन्होंने यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग करी है, इस वजह से ये थोड़ा आपको जो नंबर्स है वो आपको कम में दिख रहा है। और अगर वहीं हम FII का नंबर्स देखते हैं, तो ये थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, दैट मीन्स इन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई है। तो आप जानते ही हैं कि FII एंड म्यूचुअल फंड के बीच थोड़ी सी घमासान तो चलती ही रहती है, तो इसके बेसिस पे थोड़ा इनमें नंबर्स में उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल रहा है। बाकी अदर DII की बात करें, तो उनके भी नंबर्स थोड़े से इस बार अभी थोड़ी सी डिक्रीज हुई है। बाकी जो ओवरऑल की अगर हम बात करें, तो ओवरऑल शेयर बहुत अच्छा है। बाकी आप पे डिपेंड करता है, आपको लेना है नहीं लेना है, आप अपना नज़र बनाए रख सकते हैं, अपनी जो एनालिसिस है वो आप करिए, उसके बाद आप अपने इसमें इन्वेस्टमेंट करिए। बाकी इन्वेस्टमेंट से पहले आप अपने जो भी फाइनेंशियल एडवाइज़र है उनसे आप एक बार एडवाइस ज़रूर लेना, उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट करना। तो बाकी आज यही लेके आई थी मैं आप लोगों के लिए वीडियो, बट हाँ एक रिक्वेस्ट आप लोगों से यही करूंगी कि आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल, अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा है। अगर बुरा लग रहा है तो प्लीज़ डू कमेंट, ताकि मुझे पता चले एंड मैं उसको आगे से इम्प्रूव करूँ। बिकॉज कुछ ऐसे कमेंट्स आते हैं, एक दो लोगों ने कमेंट किया, अगर कहीं गलतियाँ हैं तो वो भी बताते हैं, कुछ लोग मेरी तारीफ भी करते हैं। तो प्लीज़ ये चीज़ें मत करें कि बिल्कुल ही आपने वीडियो देखा उसके बाद स्किप कर दिया, एटलीस्ट लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो करते ही जाइए। बाकी ठीक है, मिलते हैं हम कल के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।